वेलकम फ्रेंड्स, 1 दिसंबर 2018 की करंट अफेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए कौन सी परियोजना आरंभ करने की घोषणा की गई है? ए भाषा ज्ञान, बी भाषा संगम, सी ज्ञान वाचन या डी बोली से पहचान। तो क्या शुरू की गई है? भाषा संगम, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। और ये किसने की है? केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने शुरू की है, केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस देश की एक कंपनी ने पूरे विश्व में निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए 272 सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये कंपनी कहाँ पर है, कहाँ पर इन्होंने पूरा अपना 272 सैटेलाइट लॉन्च करके पूरी दुनिया में निःशुल्क वाईफाई देने का वादा किया है? तो वो कहाँ पर है? चीन में, ठीक है। एक कोई निजी कंपनी है चीन की, जिन्होंने 272 सैटेलाइट लॉन्च करके पूरी दुनिया को फ्री वाईफाई देने का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस अफ्रीकी देश में इबोला के ताज़ा प्रकोप को इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बताया है? ए कांगो, बी केन्या, सी चाड या डी रवांडा। तो किसको बताया है? कांगो को, ठीक है, कांगो को बताया, कांगो देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा संघ स्थापित किया है जो गैर विज्ञान विषयों में विश्वसनीय गुणवत्ता पत्रिकाओं की एक नई सूची तैयार करेगा? तो ए भारतीय सामाजिक विज्ञान के कंसोर्टियम, बी सामाजिक विज्ञान के कंसोर्टियम, आगे देखते हैं, सी एकीकृत अनुसंधान के कंसोर्टियम या डी अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के कंसोर्टियम। तो इसका क्या आंसर रहेगा? अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के कंसोर्टियम, और इसे क्या कहते हैं? केयर, ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म क्या है? केयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं, आगे क्या है, ये किसके अंडर आएगा? ये UGC, ठीक है, UGC जो यूनिवर्सिटीज के अंडर आती है उनके अंडर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रपति ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया? ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी बेंगलुरु या डी धर्मशाला। तो कहाँ पर किया? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत और किस देश के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समुद्री इलाके में सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास INRN कोंकण 2018 गोवा में 29 नवंबर 2018 से शुरू हो गया है? ए ब्रिटेन, बी नेपाल, सी चीन या डी रूस। तो किसके साथ शुरू हो गया? ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने घोषणा की है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों ने 100% घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो इस योजना के तहत कितनी घोषणा की है, यानी कि ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कितने राज्यों में सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? 8 राज्यों में, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? डी 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोम जुराबिल्सी आम चुनाव में 59.6% वोट पाने के साथ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? ए जॉर्जिया, बी रूस, सी चीन या डी इराक। तो कहाँ की बन गई हैं? जॉर्जिया की। ये जॉर्जिया की जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, और इससे पहले वो जॉर्जिया की विदेश मंत्रालय में मंत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ मछली भोजन और तेल निर्यात के लिए स्वेच्छा और निरीक्षण आवश्यकताओं पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? ए नेपाल, बी रूस, सी ब्राज़ील या डी चीन। तो किसके साथ किया है? चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ। ये नई दिल्ली में हुआ था, और नई दिल्ली में और कब हुआ था? 28 नवंबर को, ठीक है, 28 नवंबर को हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच आयात निर्यात को लेकर दोनों करों को बचाने के लिए, ठीक है, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
भारत और किस देश के वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2019 हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में 3 दिसंबर से 14 दिसंबर 2019 के बीच किया जाएगा? ए अमेरिका, बी नेपाल, सी चीन या डी रूस। तो किसके साथ किया जाएगा? अमेरिका के साथ। और कब किया जाएगा? 14 दिसंबर 2019 के दौरान। और कब से कब? 3 दिसंबर से 14 दिसंबर 2019 के दौरान। किसके साथ? अमेरिका देश के साथ। ओके फ्रेंड्स, ये थी 1 दिसंबर यानी कि आज की करंट अफेयर्स। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेके आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस का जो टारगेट बैच है वो जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।